Aí. E tchau, hein? Aí faz barulho, vai. Pick-up. Pick-up. Aí. Pick-up. Isso aí. सर थोड़ा सेंटर में सेंटर 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 सर सेंटर लो ये दीपक भाई आगे मत जाना आगे मत कोई मत जाना कौन सी मैच में है मार दिया मारने वाले ने अच्छा बैक पीछे लेके जा सुन ना वाई केबल जो केबल जो बेचा रहेगा पूरा फैदन कैसे दे दे मोबाइल 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 भाई मोबाइल से नंबर निवेदन है प्लीज मोबाइल पीछे ले लीजिए एक मिनट बाइक की लेकर करना तो यहीं से करो रूम निकालो और टेबल 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 आगे लो ना टेबल आगे लो ना टेबल दीपक 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 मैं लगाता हूँ ना मामा दो ना दीपक दीपक एक मिनट आता है एक मिनट आता है अवेश तो पहले बता दूं कि इस्माइल जो मेरा भाई है हम लोग बहुत गहरे दोस्त हैं सालों से मतलब 18-19 साल से मैं उनको जानता हूं 20 साल से हम दिल दे चुके सनम की थी तब अवेश 6 साल का 7 साल का था छोटे छोटे थे जैद छोटा अनम तो ये उनको देखा है बचपन से उनके खार के घर में तब से वो मुझे कहते थे कि एक बार हमारा डांस देख लो तो अवेज बहुत डांस दिखाता था मुझे उस वक्त जब हम दिल कर रहे थे तो इतने सालों से देखा है उनको आस्ते आस्ते यहाँ तक आते हुए देखा है अब आज उनकी खुद की एक ये डांस स्कूल खुल गया है तो बहुत फख्र की बात है मेरे लिए इस्माइल भाई के लिए हमारे घर के लिए एंड आई रियली विश जैद तेजल एंड अवेज रियली ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई हार्ट बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट एंड बहुत जल्दी कोरियोग्राफर भी बन जाए वेज तो बहुत बड़ी बात होगी तो आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट इन ऑल द थैंक यू थैंक यू सर तो बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर भी है सोशल मीडिया पर तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे नहीं तो ये तो उन्होंने बहुत पाया है ना इतनी मेहनत करके भाई तो सोशल मीडिया का वजह से बहुत कुछ समझ में नहीं आता मेरे को वो क्या होता है ये सब मुझे समझ में नहीं आता लेकिन सर जल्दी काम करना चाहेंगे आवेश के साथ बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये इतना अच्छा डांस करता है मुझे मैंने कोई उसके क्लिपिंग्स देखे हैं तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक कोरियोग्राफर है उसके अंदर बहुत बड़ा क्योंकि वो हर गाने को शायद कभी कभी कोरियोग्राफर से भी बेटर करके दिखाता है तो एक्चुअल हीरो से भी बेटर करके दिखाता है वो तो बहुत बड़ी बात है तो आई थिंक वेरी वेरी सून ही बी अ कोरियोग्राफर गॉड ब्लेस हिम एक आखिरी सवाल यस किसका ये कहाँ की वहाँ से बात है आप फिल्में बनाते हैं और फिल्म
बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की थी, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एडिटर। लेकिन जब फिल्म के प्रमोशन होते हैं तब उस वक्त अगर आप में से कोई एक मीडिया पर्सन की इंसल्ट करता है, क्या आपको नहीं लगता ये पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस वक्त इस बीच में इंटरवीन करना और उसके लिए बिल्कुल स्टॉप करना? बिल्कुल, कोई किसी का इंसल्ट क्यों करे, किसी का भी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो टैलेंट कुछ भी हो। तो ये सवाल में समझ में नहीं आया मुझे। थैंक यू, ब्लेस यू। Thank you guys, thank you.